Hello everyone, I welcome to all of you in my B.Ed. class Success in Teaching Field. Friends, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो B.Ed. के बच्चों को फेस करना पड़ता है. इवन के मैं जब अपने स्टडी पीरियड में था तो मुझे भी बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, और आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ B.Ed. के बच्चों को तो ये सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं. मैं उन सारे प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिलेबस की. हमारा सिलेबस क्लियर नहीं होता, हमें सिलेबस प्रोवाइड नहीं होते, और भी बहुत सी चीज़ें. इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट मटेरियल. सब्जेक्ट मटेरियल जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं है मार्केट में. और दूसरी चीज़ है कि मीडियम. अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एक ही मीडियम की आपको किताबें मिलेंगी, इंग्लिश या उर्दू में बहुत ही कम मटेरियल है. और तीसरी प्रॉब्लम है शॉर्ट ऑफ टाइम. इस एज में आकर के पूरा का पूरा टाइम एक ही कोर्स को देना ये बहुत मुश्किल है, कि आप पूरा ही टाइम अगर इसी कोर्स को दोगे तो इस एज में आकर के आप अगर कोई फाइनेंशियल चीज़ें नहीं एक्वायर करते हो तो दिक्कतें हो सकती है. इसीलिए फ्रेंड्स मैंने डिसाइड किया है कि टीचिंग के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम आएंगी मैं उन सारी प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगा और उसका सोल्यूशन निकालूँगा. अभी मैंने इस वीडियो की शुरुआत इस मॉडर्न पेपर को सॉल्व करके शुरुआत की है जो B.Ed. DM का एग्ज़ाम होने जा रहा है. तो फ्रेंड्स अपना टाइम बचाते हुए चलो टॉपिक पे आते हैं. तो इसका जो ये देख रहे हैं आप, इसका जो मॉडर्न पेपर है B.Ed. DM का, उसका अपलोड किया गया है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साइट पर. और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये आप आसानी से खुद भी पढ़ सकते हो कि किस तरीके से फिलअप करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है. ये देखिए, आप हिस्सा अव्वल में 10 लाजमी सवाल है जो कि मारूजी यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, खाली जगह को पूर करें. तो ये सारी चीज़ें जो है आप फ्रेंड्स खुद भी पढ़ सकते हो, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताना, मैं इनका सोल्यूशन निकाल के दूंगा. तो फ्रेंड्स हम आते हैं इनके मेन मुद्दे पे, जो इन्होंने एक फ्रेम बनाया हुआ है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं. तो फ्रेंड्स पहला सवाल है इसमें कि किस माहिर नफ्सियात ने कहा नफ्सियात तर्ज़ अमल की साइंस है. तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है J.B. वाटसन है. J.B. यानी जी इसका पूरा फॉर्म है जॉन ब्रॉडस वाटसन. फ्रेंड्स आपने इसको पढ़ा होगा, साइकोलॉजी की कोई भी बुक आपके उठा के देखेंगे या मानो कि जो खुद भी जो उन्होंने अपलोड किया हुआ है साइट पे उसमें भी उठा के देखेंगे. तो साइकोलॉजी को जो है एजुकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफिनेशन किया गया है. साइकोलॉजी की शुरुआत 16वीं शताब्दी से ही मानी जाती है, और सबसे पहले जो इसके फ़लसफ़ी थे वो थे अफलातून. इनके शुरू इन, इन उन्होंने एक फ़लसफ़ी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उस और अरस्तु ने उसको बहुत आगे बढ़ाया. तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले इस साइकोलॉजी को क्या नाम दिया गया था, सबसे पहले इसको नाम दिया गया था साइंस ऑफ सोल यानी कि रूह की साइंस. उसके बाद दूसरे नंबर पर इसको क्या नाम दिया गया, साइंस ऑफ माइंड यानी दिमाग का साइंस. और तीसरे नंबर पर इसको नाम दिया साइंस ऑफ कंशियस यानी कि शोर की साइंस. और जब 20वीं शताब्दी में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर कहा. और यही सवाल इसमें पूछा गया है कि साइंस ऑफ बिहेवियर किस साइकोलॉजिस्ट ने इसकी तारीफ़ की है. तो इसका आंसर हो जाएगा J.B. वाटसन. दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के मुताबिक बच्चों की मुख्तलिफ उम्र के दरमियान उनकी ज़हनी नशोनुमा के कितने मराहिल होते हैं. तो फ्रेंड्स जेन पियाजे को तो आप जानते होंगे, साइकोलॉजिस्ट के बहुत बड़े थ्योरिस्ट है, इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी है कॉग्निशन की. और लेकिन इसका सवाल जो है सिर्फ इतना है कि ज़हनी नशोनुमा के कितने मराहिल इन्होंने तय किए हैं. तो दोस्तों उसके 4 मरहले हैं जो जेन पियाजे ने डिसाइड किए हैं. पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 उम्र के बच्चों से लेकर 2 साल की उम्र तक मानी जाती है. दूसरा है प्री
ऑपरेशन स्टेज जो 2 साल से 7 साल के बच्चों तक मानी जाती है, और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो 7 से 12 तक मानी जाती है, और उसके बाद जो चौथा है उसको मैंने नीचे लिखा है वो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन जो के 12 से 16 या 18 यानी बुलोगियत तक इस उम्र को मानी जाती है। तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ पूछा है कि ज़हनी नशोनुमा के कितने मराहिल है, तो अगर आप इसको 4 भी लिख करके आगे लिखो तो भी इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा सवाल है कि बसीरती इक्तिसाब यानी कि लर्निंग बाय इंसाइट जिसको हिंदी में दृष्टिकोण भी कहेंगे का नज़रिया किसके नाम से मौसूम है। तो फ्रेंड्स इसको जो है दृष्टिकोण को जो जिन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है वो 3 साइकोलॉजिस्ट है, पहले है कोहलर और दूसरे है कोफा और तीसरे है मैक्स वर्थहैमर। इन तीनों ने इन लर्निंग बाय इंसाइट की थ्योरी दी है। तो सवाल है कि बसीरत इक्तिसाब का नज़रिया किसके नाम से मौसूम है, तो इन तीनों ने और सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है कोहलर। आपने पढ़ा होगा इनकी थ्योरी जिन्होंने चिंपैंजी पे रिसर्च किया था, तो इनका नाम ज़्यादा इसमें अहम है। बाकी आप तीनों इसका आंसर बनेगा क्योंकि इन तीनों ने ही इस रिसर्च पे बात की थी। चौथा सवाल है कि रूसी मुकीम इवान पावलो ने इक्तिसाब का कौन सा नज़रिया पेश किया। तो सिंपल है, आपको किसी भी किताब में ये आंसर मिल जाएगा, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जिसे आप उर्दू में क्लासिकी मशरूत के ज़रिए इक्तिसाब कह सकते हैं, सिंपल सा इसका आंसर है। उसके बाद पांचवा सवाल है कि एक ही शख्स की शख्सियत की पैमाइशी खूबियों में पाए जाने वाले फ़र्क को कौन सा इनफरादी तफावत कहा जाता है। फ्रेंड्स ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कहा जा रहा है जिसमें आप पर्सनालिटी वाले लेसन में आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हो कि पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग लोगों में या बच्चों में किस तरह से इनफरादियत पाई जाती है, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसको उन्होंने 2 तरह की किस्मों में बांटा हुआ है। पहला है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको आप दुरून शख्सी इनफरादी फ़र्क कह सकते हो, और दूसरा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आपका जो आंसर इसमें बनेगा वो है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको दुरून शख्सी इनफरादी फ़र्क कहते हैं, इसका आंसर ये वाला है। उसके बाद है किस माहिर नफ्सियात ने मौजूआती इदरा की जाँच यानी कि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट की तामीर की है। तो हेनरी मरी इसका आंसर है। ये भी आपको किसी भी किताब में आसानी से मिल जाएगा, जो भी थ्योरी की किताबें हैं उसमें आप अगर ढूंढोगे तो उसकी मौजूआती इदरा की जांच। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स के इसमें किसी पिक्चर को दिखा करके किसी स्टोरी को या फिर किसी थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट किया जा सकता है कि वो किस तरीके से समझता है। इसकी थ्योरी पर अगर आप कहेंगे, इन सब की थ्योरी पर कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ सोल्यूशन करके दे पाऊँगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है इक्तिसाब की बुनियादी इकाई का नाम लिखो। तो इक्तिसाब जो है यानी कि लर्निंग जो है जिसे आप अधिगम कह सकते हो हिंदी में, इक्तिसाब की बुनियादी इकाई को अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स इसमें बुनियादी इकाई में आपका इंटरेस्ट आ सकता है यानी कि दिलचस्पी होनी चाहिए। आप अगर बुनियादी बात करें तो उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, उसके बाद अटेंशन होना चाहिए। अगर कोई इंसान इक्तिसाब करना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, तो बग़ैर दिलचस्पी के बग़ैर अटेंशन के नहीं सीख सकता। और उसके अलावा मोटिवेशन भी है, मोटिवेशन यानी कि आप मुहर्रिक हो उसके लिए, आप उसके मतलब कि प्रेरणा हो आपके अंदर उसको सीखने के लिए, यही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद है किसके मुताबिक हाफ़ज़ा सीखी हुई चीज़ का बराह रास्त इस्तेमाल है। ये डेफिनेशन पूछा हुआ है यानी कि मेमोरी जो है आप इसको आसानी से किसी भी किताब में देख सकते हो इसका आंसर। किसके मुताबिक हाफ़ज़ा यानी कि मेमोरी सीखी हुई चीज़ का बराह रास्त इस्तेमाल है, तो इसमें इसका आंसर है वुडवर्ड। बहुत बड़ी तारीफ इसमें मानी जाती है। उसके बाद है नफ्सियात का तहलीली नफ्सी यानी कि साइको एनालिटिक तरीका किस माहिर नफ्सियात ने सबसे पहले पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि सबसे पहले कि उन्होंने किया था, ये है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड भी बहुत मशहूर है साइकोलॉजी में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका नाम और बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये, जिन्होंने इग और इडो की आपने पढ़ा होगा जो थ्योरी दी थी, आप इसको पढ़े, ये बहुत इंटरेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइको एनालिटिक का किन्होंने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उसके बाद है लास्ट वाला, यानी कि री इन्फोर्समेंट कि कितनी किस्में होती है, रीइन्फोर्समेंट किसने दी है, या फिर रीइन्फोर्समेंट या जिसको आप उर्दू में तकवियत बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, उसका डिफिनेशन नहीं पूछा है। बाकी मैं बता देता हूँ कि इस पर जो सबसे ज़्यादा बात की है वो बी एफ स्किनर ने इसकी थ्योरी दी है, और इसने जो सवाल किया है वो कितनी किस्में है इस पर सवाल किया है। तो कितनी किस्मों में फ्रेंड्स ये आपका जो है, कितनी किस्मों में आपका ये आ जाएगा कि ये दो किस्में हैं, और पहली किस्म है इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, और उसके बाद जो है आपका दूसरा वाला जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइन्फोर्समेंट है। तो फ्रेंड्स इसके तीन हिस्से हैं, जिसमें से पहले हिस्से को मैंने सॉल्व कर दिया, और बाकी जो और भी हिस्से इसके बचे हुए हैं उस पर थोड़े लेंथी है। मैं अगर आप ये कहोगे कि आप सब पर एक एक शॉर्ट नोट्स बना कर दे दो, या फिर अगर आप ये कहोगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करा दो, तो फ्रेंड्स मैं सारा कुछ ही कवर करा दूंगा, लेकिन आपको मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आपको इन तरह की चीज़ों की या फिर इन तरह की सब्जेक्ट की ज़रूरत है, मैं तभी आपको बता पाऊँगा और तभी आपको इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन दे पाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आई या किसी भी तरीके के ये आपके फ़ायदे का है, तो प्लीज़ आप मुझे रिस्पॉन्स दें, और रिस्पॉन्स आप जो है आप मुझे सब्सक्राइब्स का बटन दबा करके रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे लगे कि हाँ ठीक है आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और बीएड के अकॉर्डिंग कुछ भी या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग आपको पूछना हो बीएड में, तो चाहे वो सिलेबस हो या फिर उसके अलावा सब्जेक्ट मटेरियल हो, या उसके अलावा अगर आप कहो कि लेसन प्लानिंग कैसे बनती है, सर्वे कॉपी क्या होता है, टीचिंग मेथड किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ों पे मैं कंप्लीटली एक वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आप ये कहोगे कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके दो, तो मैं वो भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे रिस्पॉन्स दें और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें, और प्लीज़ जो भी बात हो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके दें, ताकि मैं और भी अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकूं।